हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अनलॉक करेंगे जियो फाई का राउटर जिसका मॉडल नंबर है जे एम आर फाइव फोर्टी तो जो इस वीडियो में मैं, मैं मेथड बताने जा रहा हूं ये मेथड दोनों में वर्क करेगा आपका जियो फाई जे एम आर फाइव फोर्टी और जे एम आर फाइव फोर्टी वन तो अगर आपके पास ये दोनों मॉडल हैं तो आप इस मैथड के जरिए अनलॉक कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं मेरा डिवाइस ऑलरेडी अनलॉक कर चुका हूँ यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आप देख सकते हैं मेरे उसमें आ रहा है और इस वक्त इसमें वी का सिम लगा हुआ है तो पहले तो मैं इसको कनेक्ट करके सिस्टम से दिखा देता हूँ मैं इसको अपने सिस्टम से यू केबल के ज़रिए कनेक्ट करता हूँ तो एक तरह से ये यू एस होगी इसको मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है अभी और यहाँ सिस्टम पे जाता हूँ ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ जियो डॉट लोकल डॉट एस यही यू ओपन करेंगे तो इस राउटर का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज इस तरीके से ओपन हो गया और यहाँ पे अगर वो टॉप पे आप देखेंगे कि दिस इज़ अनऑफिशियल हैक फ्रेमवेयर और ये फ्रेमवेयर जो अनलॉक किया है वो अभी मोटल सिक्स नाम का एक एक्स का डेवलपर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आई है तो ये फ्रेमवेयर मैंने अनलॉक नहीं किया मैंने सेम एक्स डेवलपर पर जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसी के ज़रिए मैंने इसको अनलॉक किया है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अभी मोटल सिक्स को इसका लिंक इस जो एक्स टी ए डेवलपर्स डॉट कॉम का जो लिंक है मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं फिलहाल मैं इस पूरे प्रोसीजर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं अभी यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ आ रही है इसके अलावा यहाँ अटैच देख सकते हैं और अगर नीचे आएंगे तो नीचे भी सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है और अगर मैं इसको यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट डॉट नेट की साइट मैंने ओपन की है यहाँ थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्नल है वो कभी ग्रीन हो रहा है कभी ब्लू हो रहा है तो ग्रीन और ब्लू का मतलब है सिग्नल है बट जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्चुएट कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट ओपन हो गई और यहाँ पे जो सिग्नल लिख के आ रहा है वोडाफोन आ रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वोडाफोन से कनेक्टेड है आपका जियो फाई ओपन हो रहा है तो इसका मतलब कि जियो फाई के राउटर में आपका वोडाफोन का जो सिम है वो चल रहा है तो चलिए अब आप मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं जो भी मैथड मैं बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पे दिया गया स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ इस मेथड को प्रोसीड करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि ये जो मेथड है वो सिर्फ जे एम और जे एम के लिए वर्क करेगा और आपका जो जे एम का फ्रेम वर्जन होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए आर लास्ट में और फाइव के लिए जो फ्रेम वर्जन होना चाहिए वो आपका आर होना चाहिए आप ये फ्रेमवेयर वर्जन कैसे चेक करेंगे आप अपने जियो फाइव डॉट लोकल डॉट एस टी एम एल में जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे आएंगे जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे देखेंगे फ्रेमवेयर वर्जन और यहाँ लास्ट में देख सकते हैं आर सिक्स पॉइंट वन सिक्स है मेरा इन केस अगर आपका ये वर्जन नहीं होता इससे कम वाला वर्जन कोई है तो आप कुछ समय के लिए इसको यूज़ करेंगे तो ऑटो अपडेट हो जाएगा जैसा कि यहाँ यूजर ने मेंशन किया है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको कुछ जरूरी फाइलें डाउनलोड करनी होंगी जिसमें से पहला है आपको अनलॉकड फ्रेमवेयर ओके तो यहाँ पे आपका ये लिंक दिया गया है जहाँ पे से आप सिस्टम डॉट आई एम जी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपका अनलॉक फ्रेमवेयर है तो अगर आपका मॉडल 540 है तो इसको डाउनलोड करेंगे अगर आपका मॉडल 541 है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ 540 के लिए और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रख लिया है सिस्टम डॉट आई एम जी अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें सिस्टम डॉट आई एम जी फाइल है जिसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है नेक्स्ट है कि हमको कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं जिसमें से पहला है फास्ट फूड ड्राइवर्स और दूसरा है फास्ट फूड ये दोनों ड्राइवर्स आप इन लिंक्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इन केस कोई इशू होता है तो आप गूगल से भी इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे केस में जो ए डी बी सेटअप वाला था वो वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने गूगल करके इसको डाउनलोड किया जो कि अब मेरा यहाँ पर ये फाइल है तो इस तरीके से आपका ये जो तीनों फ़ाइल है ये डाउनलोड हो जाएंगे जिसमें से आपका ये है अनलॉक का जो फिमवेयर वो है एडीबी सेटअप का फाइल है अगर इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एडीबी सेटअप का एक एक पड़ा हुआ जो कि यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है थर्ड वाला जो फाइल है आपका मिनिमल ए डी फास्ट बुट है जो कि एक फ़ोल्डर है इसके अंदर देखेंगे यहाँ भी एक सेटअप है तो मैंने इस फोल्डर को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो कि आपका यहाँ पर इस तरीके से पड़ा हुआ है अभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हैं डिवाइस को प्रिपेयर करने का लेकिन इससे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा जिसमें से आपको ये पहला वाला इंस्टॉल करना है और ये दूसरा वाला इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है इसको राइट right क्लिक करेंगे ओपन कर लेंगे या फिर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दे रहा है जिसमें से बोला डू यू वांट टू इंस्टॉल एडीबी एंड फास्ट बूट आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है अभी आपको पूछ रहा है एडीबी सिस्टम सिस्टम वाइड इंस्टॉल करना है तो आप इसको यस yes कर सकते हैं और इस तरीके से जो आपका ए डी बी फास्टपुट है सिस्टम वाइड इंस्टॉल हो जाएगा जीरो फाइल कॉपी दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसके बाद आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा है तो आपको यहाँ भी यस करना है और कंटिन्यू करना है इंटरप्रेस करके और लास्ट में आप देखेंगे ऑल डन आ गया लिखा हुआ और उसके बाद ऑटोमेटिक ये विंडो क्लोज हो गया तो इसका मतलब कि आपका जो इंस्टॉलेशन है ए सेटअप का वो कंप्लीट हो गया नेक्स्ट है आपको मिनिमल ए इंस्टॉल करना है जो कि आपका ये है इस पर डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करेंगे और मिनिमल ए डी बी वर्जन 1.4.3 पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे मैं फोल्डर को क्लोज़ कर देता हूँ इसको मैं मिनिमाइज अभी कर देता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है वापस से नेक्स्ट करना है और आप लोकेशन देख सकते हैं मिनिमल ए डी बी एंड फास्ट फूड कहाँ इंस्टॉल हो रहा है नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल होने देंगे नेक्स्ट कर लेंगे आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो अभी मैं आगे से नेक्स्ट नहीं करूँगा मैं इसको अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ या फिर मैं नेक्स्ट करता भी हूँ तो मेरा इसी पर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक और बन के आ गया तो इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं अभी आपका जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका कि डिवाइस को प्रिपेयर करना है डिवाइस को कैसे प्रिपेयर करना है सबसे पहला काम तो आपको बैटरी रिमूव करना है उसके बाद रीसेट पिन आपको लोकेट करना है और इसके बाद आपको इसको फास्ट फूड मोड में स्टार्ट करना है तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो हमने यहाँ पर इसको रिमूव किया पहले और इसको पीछे से ओपन करते हैं बैटरी रिमूव कर दिया और इसमें से मैं सिम भी निकाल देता हूँ बेसिकली मेरा जो वोडाफोन का सिम लगा हुआ है और इसको लगाना है आपको सिस्टम को प्लग करना है पहले तो यहाँ पे मैंने इसको प्लग कर दिया प्लग करेंगे तो किस कुछ इस तरीके से आएगा इसके बाद आपको इसको रीसेट करना है रीसेट करने का तरीका क्या आप एक पिन लेंगे जो कि बेसिकली आपका सिम एक्जेड टूल पिन होता है वही यूज़ हो जाएगा और रीसेट होल जो है देखेंगे यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है तो इसमें ये स्पिन को डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको दबा के रखेंगे और इधर देखेंगे तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ इसको तब तक दबा के रखना है जब तक कि ये जो तीनों लाइटें हैं वो रेड ना हो जाए तो अभी जो आपका डिवाइस है ये देखिए फास्ट फूड बोर्ड में आ चुका है क्योंकि तीनों जो हैं ये रेड जल रहे हैं तो इसको, इसको इसी तरीके से रख देंगे केबल लगा हुआ इसको ज़रा भी टच नहीं करेंगे क्योंकि केबल ब्रेक हो सकता है प्रोसेस में तो इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे उसके बाद अपने सिस्टम पे जाएंगे और सिस्टम पे यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे मिनिमल ए डी बी एंड फास्ट बूट डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स टाइप करने हैं जिसमें से अगर आप टाइप करेंगे फ़ास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस और प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डिवाइस दिखा रहा है जो कि मेरा ये वाला जो राउटर है ये है कुछ कमांड्स टाइप करें जो कि आपका यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि फ़ास्ट फूड डिवाइसेस से आप चेक कर लेंगे कि आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ है तो एक चीज़ यहीं पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि ये डिवाइस हो सकता है और ना दिखाए तो वो केस क्या हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ होगा इस वजह से यहाँ पर आपका डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर रहा है या फिर आप इंश्योर कर लें कि ये फास्ट फूड भोड में है अगर आपको लगता है कि आपने सारे ड्राइवर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल किए हैं फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आपने सिस्टम को री कर लीजिए और फिर से इस प्रोसेस को कीजिए तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका डिवाइस है वो आपका यहाँ पे दिखने लगेगा नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको करना है इरेज सिस्टम को तो फास्ट फूड इरेज़ सिस्टम करेंगे उसके बाद ये कुछ प्रोसेस करेगा इस तरीके से और आपका सिस्टम जो है वो इरेज हो जाएगा तो हालांकि मैं दोबारा नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन जब मैं कर रहा था उस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ास्ट फूड इरेज सिस्टम किया तो मेरा जो सिस्टम है वो इरेज हो गया तो थोड़ा टाइम लगा और मेरा जो सिस्टम है वो इरेज हो गया एक बार इरेज e हो जाएगा सिस्टम तो हमें फ़्लैश करना है अपना जो कस्टम फ्रेमवेयर है जो कि अनलॉकड वाला है उससे तो उसके लिए क्या करेंगे आप फास्ट फूड फ्लैश सिस्टम कमांड लिखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहाँ आपका जो इसमें भी मेंशन किया गया है कि फ़ास्ट फूड स्पेस फ्लैश स्पेस सिस्टम और उसके बाद आपको जो सिस्टम डॉट आई एम जी फाइल है उसकी लोकेशन देनी है तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करेंगे जो आपका सिस्टम डाट आई एम जी डेस्कटॉप में आपने रखा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे टर्मिनल पर तो फुल पाथ के साथ आपका आ जाएगा उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से स्क्रीन पे आएगा और जो फ्लैशिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा एक बार आपका फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको करना है रिबूट फास्ट रिबूट कमांड यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपका जो राउटर है वो री हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ रिबूट हो रहा है तो इस तरीके से जब आपका रिबूट होने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली इसको अनप्लग कर देना है एक बार रिबूट हो गया तो इसको अनप्लग करना है और अभी अपना सिम जो है आप जिस भी कंपनी का सिम लगाना चाहते हैं जैसे कि मेरे केस में मेरे पास वोडाफोन है तो मैं ये वोडाफोन का सिम यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना बैटरी लगाता हूँ बैक कवर लगाते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्मली जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे उसी तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे जब फर्स्ट टाइम आप इसको स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है जैसा कि डेवलपर ने यहाँ मेंशन किया हुआ है साइट पे कि जब आप नॉर्मली बूट करेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम लगे तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं जो फर्स्ट टाइम सिर्फ टाइम लगेगा बाद में आसानी से हो जाएगा बूट तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरा राउटर वो बूट हो चुका है और यहाँ पे सिग्नल भी आ गया है तो अभी क्या करना होगा आपको अपने अगर आपने जियो का सिम डाला है तो आपका जियो का जो ए पी एन है ऑलरेडी सेट होगा लेकिन अगर आपने एयरटेल या वोडाफोन का सिम डाला हुआ है तो उसका ए पी एन अलग होता है तो हम मैं बताता हूँ किस तरीके से आप ए सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका इंटरनेट चलने लगे बिना ए सेट की आपका नहीं चलेगा तो अभी मैं फिर से इसको यू एस टेथरिंग के थ्रू कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम से कनेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस से आऊँगा जियो फाइव डॉट लोकल डॉट एस डी एम एल और इसको रीलोड करता हूँ मैं एक बार तो यहाँ पे टेथरिंग का पूछ रहा तो मैं यहाँ अलाउ यस करता हूँ तो अभी ये मेरा सिस्टम से कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे आपको करना क्या है ए सेट करने के लिए लॉग इन करना होगा सबसे पहले तो यूज़र नेम पासवर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर होगा डिफ़ॉल्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड अभी नहीं चेंज करना है मुझे उसके बाद जाएंगे आप नेटवर्क सेक्शन में और यहाँ पे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो फाई डॉट लोकल एस टी एम एल है यहाँ पर आपका नीचे डिफॉल्ट पी डी एन कनेक्शन है तो ए पी एन फॉम नेटवर्क अटैच्ड है तो यहाँ ए पी एन फॉम नेटवर्क अटैच में क्या सेलेक्ट करना होगा आपको मैनुअल और आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो नेट बाई डिफ़ॉल्ट है इस जियो नेट को चेंज करके आपको करना होगा डब्ल्यू 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 आपका है वी आई के लिए लेकिन आपका एयरटेल के लिए भी शायद सेम है अगर आप गूगल करेंगे ए पी एन सेटिंग फॉर एयरटेल और ए पी एन सेटिंग फॉर वी आई तो आपको ए पी एन का नाम पता चल जाएगा इतना करने के बाद आपको सेव करना है थोड़ा टाइम लगेगा और ये राउटर को रिबूट करेगा एक बार रिबूट हो जाएगा तो आपका जो राउटर है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ इस तरीके से आपका जो ये पूरी तरीके से रीसेट का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया अभी बात आती है कि इन केस अगर आपको ये सब प्रोसेस करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किसी तरीके से या फिर आप ओरिजिनल फ्रेमवेयर पर वापस जाना चाहते हो तो उसका भी तरीका है यहाँ नीचे देखेंगे इसी आर्टिकल में नीचे दिया हुआ है ओरिजिनल जो इसका फ्रेमवेयर है उसका भी बैकअप लेके डेवलपर ने यहाँ पे लिंक दे दिया है तो आप इस पर क्लिक करके ओरिजिनल वाला जो आई फाइल है बेसिकली जो आपका यहाँ पे ये यह फ़ाइल है सिस्टम डाटा आईएनजी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और सेम प्रोसेस करके आप ओरिजिनल वाले से फ्लैश कर देंगे तो आपका जो ये हैक्ड वाला वर्जन है ये चला जाएगा और आपका जो ओरिजिनल फ्रेमवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो एक चीज़ और डिस्क्लेमर बता दूँ कि इसके लिए जो डेवलपर है अभी मोटल या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपके डिवाइस के साथ कोई इशू होता है आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो आप अपने रिस्क पे ही कीजिए और फिलहाल मुझे इसको अनलॉक किए दो एक दिन हो गया है और एक दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया है प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आई होप कि आपके लिए वर्क करेगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकान को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें धन्यवाद